नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय IAS। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 67th BPSC की कट ऑफ से रिलेटेड। 5 क्वेश्चन के आंसर्स चेंज किए गए हैं आयोग द्वारा। जो आपत्ति आपने भेजी थी उसमें 5 पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है आपत्ति को। और 68th BPSC की वैकेंसीज कितनी है, टोटल कब आ रही है, इससे रिलेटेड। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, छोटा सा वीडियो होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सर्वोदय IAS के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ ही मैंने टेलीग्राम का चैनल भी बना दिया है, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं उसमें प्री के भी क्वेश्चंस डाल रहा हूँ क्विज बना के, और मेंस का भी क्वेश्चन फ्री वैल्यूएशन कर रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम, BPSC, UPSC और UPPCS सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के क्वेश्चन जो मैं डालूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम फारूक है, मैंने MPhil किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैंने 2 UPSC मेंस और 4 PCS मेंस लिखे हैं, और लगभग पिछले 3 साल से मैं UPSC और PCS एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आते हैं वीडियो के ऊपर जी। 67th BPSC में लगभग 10 क्वेश्चंस पे आपत्ति भेजी थी हम स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट्स ने, लेकिन BPSC ने 5 पे उस आपत्ति को एक्सेप्ट किया, 5 क्वेश्चन पे। बेसिकली आयोग जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट और NCERTs पे ध्यान देता है, या बहुत ही रिनोन्ड कोई ऑथर हो, जैसे आपके बिपिन चंद्रा हैं और तो जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं तो उनको मानते हैं, ठीक है। तो उसमें 5 पे एक्सेप्ट किया, तो अब ये 5 भी आपका कट ऑफ पे असर डालेंगे। जिनके सही हो रहे थे उनके गलत होंगे, ठीक है, जिनके गलत हो रहे थे उनके सही होंगे, तो ये 5 असर डालेंगे। उसके अलावा मैंने आपसे पहले भी बोल दिया है 99 से 102, ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। याद रखिए कि लोगों ने 105-106 बोल के अब लोग 100 बोल रहे हैं। मैंने पहले दिन से बोला था 99 से 102, लेकिन ये 99 से 102 जो है इसमें आपके 5 जो आंसर चेंज हो रहे हैं ये बड़ा इफेक्ट डालेंगे इस पर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन बड़ा असर डालने वाले हैं इस पर, ठीक है। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से लो ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका 68th BPSC का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मान लीजिए अगर 20 को रिजल्ट आता है तो आपका 23, 24, 25 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैकेंसीज इनिशियली 500 के अराउंड रहेंगी, इनिशियली 450 या 500 वैकेंसीज रहेंगी, लेकिन प्रीलिम्स होते होते ये लगभग 650 से 680 के आसपास पहुंच जाएंगी, ठीक है, 650 से 680। तो कट ऑफ लो ही रहेगी, मैंने शुरू में बोला था 99 से 102। और आप लोग मेंस पढ़ते रहिए, इस रेंज में आप आ रहे हो या ना आ रहे हो, आपको मेंस पढ़ते रहना है, क्योंकि 68th BPSC बहुत दूर नहीं है। और मेंस ही सिविल सर्वेंट अगर आपको बनना है तो आपका मेंस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो मेंस आप पढ़ते रहिए, मैंने मेंस के लिए फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आज से। डेली एक क्वेश्चन डालूंगा, और अगर आप उसका आंसर लिख के भेजेंगे तो मैं उसको फ्री इवैल्यूएट करूंगा। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज मैंने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डाला है ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है। उसका मैं अभी एक सॉल्यूशन के तौर पे मैं उसका एक सैम्पल आंसर दूंगा आपको ग्रीन बॉन्ड पे। कल इसी तरह पॉलिटी पे कोई क्वेश्चन आएगा, फिर ज्योग्राफी पे कोई क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से हम डेली एक क्वेश्चन वहाँ पर डालेंगे। अगर आप उसका आंसर लिख के अपलोड करते हैं तो मैं उसको फ्री इवैल्यूएट कर दूंगा, ठीक है। तो मेंस को आपको हर हाल में पढ़ते रहना है, आप इस रेंज में आ रहे हो या ना आ रहे हो, आपका मेंस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। 68th BPSC से रिलेटेड मैंने बात कर ली है, और 5 आंसर्स पे आपत्ति एक्सेप्ट हो गई है। 5 आंसर चेंज कर दिए गए हैं, जो पहली ऑफिशियल आंसर की आई थी उससे 5 आंसर डिफर करेंगे, ठीक है। तो ये था ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।